हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रहलाद सिंह मेरे के हूँ। आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी का सेकेंड पेपर हम डील कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी सीरीज। उसमें हम चैप्टर नंबर थर्ड डील कर रहे हैं। इसमें काफ़ी क्लास, लगभग 7-8 वीडियो हो गए थे। ये चलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कॉस्मिड वैक्टर के बारे में कि हमारा ये कॉस्मिड वैक्टर क्या कहता है, इसके बारे में छोटा सा हम क्लास लेंगे ताकि हम इसके बारे में सही से आपको बता सके कि हमारा कॉस्मिड वैक्टर्स क्या कहते हैं, ये डिफरेंट जो टाइप्स के हमारे वैक्टर होते हैं वो कैसे और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस लेक्चर क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं। उससे पहले बता दें स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो के हेल्प लेने के लिए, तो बाकी ऐसे ही ढेर सारे लेक्चर क्लासेस मेरे जूलॉजी बॉटनी के पड़े हुए हैं, तो उनको भी देखने के लिए आप क्या करिए, प्लेलिस्ट को विजिट करिए और साथ ही में हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मैं अगले क्लास का आपको पहुंचाता रहूं, जिससे आपकी स्टडी ऑलमोस्ट फ्री होती रहे। और बता दें, यदि आप पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो इसके PDF एंड नोट्स जो होते हैं मेरे, वो स्पेशली मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अपलोड हैं, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिंक नीचे दिए गए हैं। आप जाने वहां से वीडियो खत्म होने के बाद वहां जाइए और विजिट करिए प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करिए VNR क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन और बताइए कि सर हम इस ईयर के हैं, आपको अपने बैच में ऐड कर दिया जाएगा और बैच से परीक्षा से जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी आपको वहां पे समय समय पे हमसे, हमारी टीम दो लोग और हैं, वो आपको मैसेजेस कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट पेपर के लगभग 80% क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, उसके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे अलग से, इसका प्लेलिस्ट सेकेंड पेपर का अलग से, इसके बाद हम थर्ड पेपर को कंप्लीट करेंगे। देखो स्टूडेंट, जब बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारा कॉस्मिड वेक्टर है क्या। पहले तो बात आती है परिचय के बारे में, इंट्रो कैसे लेते हैं, तो आपको बता दूं कि ये जो कॉस्मिड वेक्टर है, ये पर्टिकुलर हमारे पास जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर होता है वो इसी का डेरिवेटिव पार्ट्स है। मतलब जो हमारे प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर के ही डेरिवेटिव पार्ट्स होते हैं। ऐसे कह सकते हो कि प्लाज्मिड वेक्टर के डीएनए सिक्वेंस में चेंजिंग करने के बाद, चेंजेस काफी करने के बाद हमारे पास कॉस्मिड वेक्टर की उत्पत्ति होती है। ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट में, ध्यान देना, ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में काफी हेल्प करता है क्लोनिंग कराने के लिए। अब छोटी सी और जानकारी के लिए हम आगे बढ़े तो ये देखा जाता है कि इनको एक पॉइंट दिया जाता है हाइब्रिड वेक्टर। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड वेक्टर। अब जहां पे हाइब्रिड वेक्टर आएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हाइब्रिड वेक्टर होते हैं वो किसी ना किसी वेक्टर से डेरिवेटिव होते हैं, डिराइव होते हैं। अब डिराइव होने के बाद ये प्लाज्मिड से डिराइव है। किससे है? प्लाज्मिड से डिराइव है। अब ऐसा देखा जाता है कि जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है, प्लाज्मिड वेक्टर के जो कोहेसिव साइट्स होते हैं, कोहेसिव साइट वाले पार्ट पे एक लेमडा साइट, ध्यान देना, जो हमारे पास हमने बताया पीछे वीडियो में, आप देख लीजिएगा जाके, प्लाज्मिड वेक्टर पे एक स्पेशली कोहेसिव साइट्स होते हैं, जैसे यहां पे दिखा रहा है, इसको ससंजन स्थल के नाम से भी लोग जानते हैं, कोहेसिव साइट होता है ये स्पेशली, जो है वो हमारे पास जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर था, ध्यान देना स्टूडेंट, जो हमारे पास हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर के जो कोहेसिव साइट थे, कोहेसिव साइट्स वाले पार्ट पे लेमडा फेज, ध्यान देना, लेमडा फेज डीएनए, मतलब इस पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, लेमडा फेज हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? लेमडा फेज डीएनए आ जाएगा। अब हमारे पास लेमडा फेज जो डीएनए स्टूडेंट्स हैं, यही डीएनए आ जाता है कहां पे? प्लाज्मिड वेक्टर के कोहेसिव साइट पे। जब लेमडा फेज डीएनए हमारे पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड वेक्टर बन के तैयार होता है, जिसका नाम होता है कॉस्मिड वेक्टर। इसीलिए इसके बोला जाता है कोहेसिव। देखो देखो ध्यान देना, ये देखो कॉस्मिड है, कॉस प्लस प्लाज्मिड, ध्यान देना ठीक, इसी से हम लेके आएंगे क्या, कॉस्मिड, क्या आएंगे लेके हम, कॉस्मिड के बारे में जानकारी आपको बताएंगे। अब देखो,
अब इतना खत्म करने के बाद ये देखा जाता है कि ये करता क्या है, करने की एक बात करेंगे कि इसमें स्पेशली जो इसके छोर होते हैं, जो एंड पार्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जैसा प्लाज्मिड एक्टिविटी दिखाता है वैसे ही ठीक एक्टिविटी दिखाते हैं हमारे कौन, ये हमारे कॉस्मिड वैक्टर। अब ये ध्यान देना, लेकिन ये तो उन्हीं के जैसे अपना एंड दिखाते हैं, 3-5 के सीक्वेंस में जाएंगे, सारे सारे सीक्वेंस एक जैसा होंगे, ठीक, मतलब एडेनिन जितने भी नाइट्रोजनी बेसेस होंगे सबके सीक्वेंस एक जैसे पाए जाएंगे प्लाज्मिड के जैसा, बट डिफरेंट होगा तो उनके जो कोहेसिव साइट्स होते हैं वहां पे लैम्डा फेज डीएनए आ जाएगा उसके वजह से। अब ऐसा माना जाता है कि जो ट्रांसमिशन होता है, क्या होता है, ट्रांसमिशन द्वारा, ध्यान देना, ट्रांसमिशन की जो एक्टिविटी होती है, ट्रांसमिशन एक्टिविटी द्वारा हम क्या करते हैं, इनको जोड़ने व विदलन करने का काम करते हैं। ध्यान देना, ट्रांसमिशन एक्टिविटी, इनको ट्रांसमिशन को संक्रमण बोला जाता है कि एक बड़ी सी इनकी कैसी होगी स्टूडेंट, एक बड़ी सी ऐसी इनकी क्या होगी, एक सिक्वेंस होगा, इस सिक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए सिक्वेंस बोलते हैं। ये जो हमारा डीएनए सिक्वेंस होगा, डीएनए सीक्वेंस में ये मान लो 3' हो गया, ये हमारा 5' हो गया, इसमें एडिनिन गुआनिन साइटोसिन अपने सीरीज में लगे हुए हैं। जब एडिनिन गुआनिन साइटोसिन अपने सीरीज में लगे हुए हैं तो इनमें क्या बोला, इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे इनको ट्रांसमिटेड किया जाता है। ध्यान देना, क्या किया जाएगा यहाँ पे, स्पेशली ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ट्रांसमिशन की जो एक्टिविटी होती है, ट्रांसमिशन की एक्टिविटी के बाद हम क्या करते हैं, इनके डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंट क्रिएट करते हैं। डिफरेंट क्रिएट करने के बाद या करने से पहले हम क्या करते हैं, या फिर इनमें क्या करेंगे, इनका हम क्लीवेजिंग कराते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है इनको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यही लैम्डा फेज जो डीएनए होता है इसी क्लीवेज वाले पार्ट पे हम ले जाके क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जोड़ देंगे। जब हम जोड़ देंगे तो ये पूरा जो डीएनए सीक्वेंस बन के रेडी होगा, इसी डीएनए सीक्वेंस के पार्ट को हम कॉस्मिड का नाम दे देंगे। ठीक, इतनी तो जानकारी आपको पता होगा। अब ध्यान देना, यदि बात करें कि ये जो लैम्डा फेज डीएनए आ रहा है इसका साइज कितना होना चाहिए, इसका जो साइज होना चाहिए वो 250 बेस पेयर, ध्यान देना, 250 बेस पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या कह सकते हो कि 250 बेस पेयर से कम के सीक्वेंस को विदलन कराने के बाद हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। क्या होगा यहां पे, कौन ऐड है यहां पे, यही ऐड है लैम्डा फेज। क्या है, लैम्डा फेज जो हमारा डीएनए है, ठीक, यही ऐड होगा। कितना ऐड होगा यहां पे, 250 बेस पेयर के साथ, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या इसको, ऐसे रहेगा, बेस पेयर के साथ कंप्लीट होगा। ओके, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि कितने बेस पेयर को हम डाल सकते हैं अधिकतम, तो अधिकतम बेस पेयर कितना होगा, 250 होगा, या फिर इससे कम बेस पेयर के डीएनए सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड वेक्टर के डीएनए सीक्वेंस में डालकर कॉस्मिड वेक्टर तैयार करेंगे। ओके, इतनी बात हो गया। अब ये सी ध्यान देना स्टूडेंट्स हैं कि पहले से जो हमारा पूरा पूरा अब जो बन के रेडी होता है कॉस्मिड वेक्टर, जो कॉस्मिड वेक्टर होता है वो लगभग 5 किलो, ध्यान देना क्या होता है, 5 किलो बेस पेयर होता है। अब 5 किलो बेस पेयर का मतलब समझ रहे हो ना कि ये क्या होगा, 5 किलो बेस पेयर का मतलब, इसको हम देखे यदि इनकी क्वांटिटी देखे तो ये लगभग 40 से 45 किलो बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 40 से 45 किलो बेस पेयर के बीच की एक्टिविटी दिखाते हैं। अब ये 45 किलो बेस पेयर का है, ध्यान देना क्या है, ये 45 किलो बेस पेयर का है। अब ये पूरा लेने के बाद, इसको ऐड करने के बाद, ये स्पेशली 4400 के आसपास दिखाता है, ठीक, मतलब इतना दिखाएगा, इतना बेस पेयर आ जाओ, इतना बेस पेयर से लेके ये स्पेशली इसके बीच बीच के बेस पेयर को कंप्लीट करेगा। ओके, अब ध्यान दो, इतना बीच कंप्लीट करेगा, तो ये आप इतने पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या देखा इसके इंट्रोडक्शन में, इतने पॉइंट्स को कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अगली पॉइंट्स पे। अगले पॉइंट्स में ये ध्यान देना स्टूडेंट्स हैं कि मेरे पास अगला पॉइंट्स है स्ट्रक्चर्स। ये देखना है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉस्मिड वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉस्मिड वेक्टर का एक छोटा सा फिगर है, आपको फिगर ये वाला पूरा कॉपी करना हो थोड़ा सा तो कर सकते हैं, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक। चलो ये देखो जो हमारे पास फिगर है, इसको छोड़ देते हैं,
ये देखो कोहेसिव साइट्स हैं, ये हमारे पॉलीलिंकर साइट्स हो गए हैं, और ये हमारे पास एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंस जो है उसका ये साइट हो जाएगा, एंड दूसरा हमारा ओरिजिन साइट हो जाएगा जो एसेरेसिया कोलाई के साथ नजर आएगा। तो ध्यान देना, नंबर फर्स्ट पॉइंट किसी भी कॉस्मिड वेक्टर में मेरे पास नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा, जो दिखाई दे रहा है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पाया जाएगा। दूसरा फॉरगेन डीएनए में क्या होगा, फॉरगेन मतलब विदेशी डीएनए में, फॉरगेन डीएनए में निवेश करने वाले कह सकते हो इंसर्ट करने वाले एंड क्लीवेज करने के लिए यूनिक रेजिस्टेंस या यूनिक रिस्ट्रिकेशन साइट होने चाहिए। यूनिक रिस्ट्रिकेशन साइट कहां पाया जाएगा स्टूडेंट्स, स्पेशली जहां से क्लीवेजिंग कराई जाएगी, मतलब यहां पे क्या पाया जाएगा स्पेशली हमारे पास होगा, जिसको फॉरगेन डीएनए हमारे पास आएगा, जिसको एफडीएनए के नाम जानते हैं आप। एफडीएनए यदि एंट्री करेगा तो इसमें कम से कम दो, ध्यान देना कितना, कम से कम दो मेरे पास रिस्ट्रिकेशन साइट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, दो मेरे पास रिस्ट्रिकेशन साइट होने चाहिए जहां से हम सही तरीके से कॉस्मिड वेक्टर को रिस्ट्रिकेशन मतलब वहां से कटर कर सके। कटर करने के बाद ये आया हुआ जो फॉरगेन डीएनए है हम इनको अपने इनके अंदर जोड़कर क्लोनिंग कराने में हेल्प ले सके। तीसरे नंबर पर चलते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाएगा मेरे पास एक ऐसा एंटीबॉडीज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक एंटीबॉडीज है जिसका नाम है एमपी साइक्लिन। क्या है, एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंस हमारे पास जो होता है इसको मतलब एमपी साइक्लिन को कोडित करने के लिए सही तरीके से कोडित करने वाले प्लाज्मिड का एक उचित मार्कर होना चाहिए, मतलब स्पेशली यहाँ पे हमारे पास मार्कर पॉइंट्स भी होने चाहिए। एक मार्कर दिखाई देना चाहिए जहां से वो सही तरीके से अपने आप को चिन्हित कर सके कि हम भैया कॉस्मिड वेक्टर ही हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर कॉस्मिड जैसे ही प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट किया गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे, चौथा पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है सबसे नंबर फोर मेरे पास आता है कोहेसिव साइट्स। कोहेसिव साइट्स एक ऐसा साइट्स होता है, ठीक क्या होता है, कोहेसिव साइट्स एक ऐसा साइट्स होता है जहां पे लेमडा फेज को ऐड किया जाता है। हमने अभी बात किया कि लेमडा फेज को यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, लेमडा फेज को ऐड कर देंगे। जो लेमडा फेज हमारा होगा उसको एडिशंस के लिए ऐड किया जाएगा, कहां पे ऐड किया जाएगा, यहां पे ऐड किया जाएगा। कितना ऐड किया जा सकता है स्टूडेंट, 250 ऐड किया जा सकता है। क्या होता है, 250 तक हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो नॉर्मली कॉस्मिड वेक्टर होते हैं वहां पे लगभग हम 12 बेस पेयर, ध्यान देना क्या, हम 12 बेस पेयर यहां पे कंप्लीट करते हैं, मतलब इस वाले में लगभग 12 बेस पेयर से लेकर 250 बेस पेयर तक के मटेरियल को, ठीक लेमडा फेज डीएनए को हम किसी भी कॉस्मिड वेक्टर के कोहेसिव साइट से अंदर की ओर डाल सकते हैं। अब ध्यान देना, यही रीजन होता है, एक रीजन भी पूछा जाता है कि ये मेरे पास चौथे पॉइंट्स पे आ गया कोहेसिव साइट्स, एक रीजन ये होता है कि क्या कारण है कि जो हमारे कॉस्मिड होते हैं कॉस्मिड को या फिर कॉस्मिड जैसे वेक्टर को, प्लाज्मिड वेक्टर को, कॉस्मिड वेक्टर को डीएनए रिकॉम्बिनेंट के इन विंट्रो कंडीशंस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफी छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, और इनमें फोटोकॉपी क्या, इनमें फोटोकॉपी करने की क्षमता भी अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे कॉस्मिड वेक्टर होते हैं, कॉस्मिड वेक्टर ठीक लेमडा पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कॉस्मिड वेक्टर लेमडा पार्टिकल्स को डीएनए रिकॉम्बिनेंट में, ध्यान देना, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन विंट्रो में पैक करने की काबिलियत रखते हैं, मतलब छोटे से बॉडी में हम लेमडा फेज को स्पेशली कॉस्मिड वेक्टर की सहायता से
पैक कर सकते हैं लंबे समय के लिए। ये हुआ इसके स्ट्रक्चर्स की। पॉलीलिंकर की बात करेंगे आप पांचवें नंबर पे, तो पॉलीलिंकर पाया जाएगा। ये आप लिंकर का मतलब समझते हो कि जितने सीक्वेंस होंगे उनको जोड़ने के लिए भैया यहाँ पे क्या होगा, रिस्टिकेशन साइट्स होंगे। रिस्टिकेशन क्या करता है, रिस्टिकेशन एंडियो न्यूक्लियोज होंगे जो विदलन करने का काम करेंगे, क्लीवेजिंग कराएंगे, कटर करेंगे, ठीक, इंसीजर का काम करते हैं। एंड दूसरा जो हमारे पास पॉलीलिंकर होगा, ये दोनों साइट्स को, दोनों एंड को, दोनों पोर को जोड़ने का काम करता हुआ नजर आएगा। इतना तो कंप्लीट करते हैं, तो चलते हैं अगले पॉइंट्स पे, देख लेते हैं इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं या कैरेक्टर्स क्या होता है। जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हम कॉस्मिक वेक्टर के कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में कैरेक्टर देख लेते हैं, कुछ तो हमने बता ही दिया। नंबर फर्स्ट पॉइंट्स ये देखना है स्टूडेंट्स हैं कि इनके बेस पेयर कितने होते हैं। ये लगभग 5 किलो बेस पेयर के होते हैं। कितने होते हैं, 5 किलो बेस पेयर के लंबे से हमारे वेक्टर होते हैं। और इनमें देखा जाता है कि लगभग 5 किलो बेस पेयर का ये वेक्टर होगा। एंड यहां पे 40 से, ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां से, ठीक, ये 5 किलो बेस पेयर का हमारा वेक्टर होगा। और इनमें लगभग बाहर से डीएनए इंसर्ट करके 40 किलो बेस पेयर का डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है। कितना, 40 से 45 किलो बेस पेयर के डीएनए को आप इनमें इंसर्ट कर सकते हो। ओके, अगला की बात करते हैं। अगले पॉइंट्स में यह देखा जाएगा कि मैं पॉइंट्स यहां पर करता जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आप पहले पॉइंट्स में क्या करेंगे, लगभग ये 5 किलो बेस पेयर, कितना, 5 किलो ये बेस पेयर का मटेरियल होगा, ठीक, कॉस्मिड वैक्टर होगा। अब ये कॉस्मिड वैक्टर हमारे पास दिखाई दे रहा है। दूसरा इसे पॉइंट कर लें, दूसरा पॉइंट्स लगभग ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये 40 से 45 किलो बेस पेयर के डीएनए को, कितना, फार्गेन डीएनए कर सकते हो, ठीक, फार्गेन डीएनए को ये ले जा सकता है, ठीक। और तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि जो हमारे एफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसको एफ फेज, यहां पर देखो आप दिखे हो ना, कहां गया, यहां पर आप लिखे हो कि जो मेरे पास एफ फेज होते हैं, एफ फेज पार्टिकल्स को भी ये ले जा सकता है किसी भी होस्ट में। कितना ले आएगा यहां पे, कम से कम 250, कितना स्टूडेंट, कम से कम 250 बेस पेयर मटेरियल को ये आसानी से ले जा सकता है। एंड चौथे पॉइंट्स में देखेंगे, चौथे पॉइंट्स में क्या कह रहा था, चौथे पॉइंट में कह रहा था कि ये स्पेशली जो डीएनए के रिप्लिकेशंस होते हैं या डीएनए रिप्लिकेशंस होते हैं, ये प्लाज्मिड के भांति, मतलब ये कह सकते हो कि इनका जो रिप्लिकेशंस होगा, एक चीज ध्यान देना, क्या होगा, इनका जो रिप्लिकेशन होगा, रिप्लिकेशन जो होगा, रिप्लिकेशन स्पेशली इनका कैसे होगा, जैसे हमारे पास प्लाज्मिड आते थे, क्या आते थे, हमारे पास प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होता था, वैसे ही रिप्लिकेशन इनका भी देखा जाएगा। क्या होगा, जैसे हमारे पास प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन होता था, ये सेम प्लाज्मिड जैसे रिप्लिकेशन करेंगे, ठीक। और पांचवें पॉइंट में ये ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, यहां पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यदि हम प्लाज्मिड का चयन करते हैं, तो इनका प्लाज्मिड के जैसे चयन किया जाता है, ठीक उसी प्रोसेस से हम इनका भी चयन कर सकते हैं। एंड चौथे पॉइंट में ये देखा जाता है कि इनका जो क्लोनिंग कराने का मेथड होता है, क्या होता है, क्लोनिंग की बात करें तो हम सबसे सिंपल भाषा में देख लें कि जो मेरा क्लोनिंग प्रोसेस होता है, क्लोनिंग प्रोसेस किसके जैसा होगा, ये क्लोनिंग प्रोसेस भी अपने प्लाज्मिड जैसे ही करते हैं। क्या करते हैं, क्लोनिंग प्रोसेस भी प्लाज्मिड जैसे ही करेंगे। एंड अगला ये देखा जाता है स्टूडेंट कि जब क्लोनिंग प्रोसेस पूरा प्लाज्मिड जैसा कर रहे हैं, तो इनमें स्पेशली आज के समय की बात करें, तो आज के समय में डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मिड वेक्टर मार्केट में आ गए हैं। क्या आ गए हैं, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मिड वेक्टर को ओरिजिन कर लिया है। अब डिफरेंट टाइप्स के जब कॉस्मिड वेक्टर का ओरिजिन हो गया है, तो अब हमको कहीं ना कहीं उनके टाइप्स को पढ़ना होगा। यदि हम टाइप्स की बात करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि आज के कल्चर में मार्केटिंग की बात करें, तो एक होता है पीडब्ल्यूएस, ठीक, आप देखेंगे शायद, या पीडब्ल्यूई की बात कर लो पहले, कि पीडब्ल्यूई एंड, ठीक, एक हमारे पास आ जाता है एससीएम, ठीक,
ये दो ऐसे हमारे पास स्पेशली श्रेणी के मतलब सीरीज के दो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मिक वेक्टर हैं जो काफी ज्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं आज के कल्चर में। मतलब कॉस्मिक वेक्टर के टू कैटेगरी आज अभी तक काफी अच्छे से लॉन्च हो चुका है, SCM एंड PWE। दो हमारे पास ऐसे, ये फर्स्ट ये सेकेंड, दो ऐसे कॉस्मिक वेक्टर मार्केट में हैं जो मॉडर्न कॉस्मिक वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि कॉस्मिक वेक्टर का जो मॉडर्न जनरेशन है वो हमारे पास PWE एंड SCM के साथ आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, वैसे आपका क्लास कंप्लीट हो चुका है ठीक। यदि हम इनके जानकारी की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट वाले के या फिर दोनों को साथ साथ देते हैं, ऐसा देखा जाता है कि इन ये ऐसे हमारे कॉस्मिक वेक्टर होते हैं जो क्लोनिंग कराने में स्पेशली मल्टीपल चॉइस सीक्वेंस, क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस सीक्वेंस के साथ आते हैं और काफी सरल तरीके से DNA सीक्वेंस को कंप्लीट कर देते हैं, क्लोनिंग करा देते हैं। मतलब मल्टीपल चॉइस सीक्वेंस का मतलब होगा, हम कभी बताएंगे आपको अगले क्लास में, कभी अभी पीरियड लगेगा ही, तो उसमें मल्टीपल चॉइस सीक्वेंस कैसे हम यूज करते हैं। तो एक चीज ध्यान देना कि इनका जो चयन होता है, इनका जो सिलेक्शन होता है, जब इनका सिलेक्शन कर लिया जाता है तो DNA के जो खंड होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, DNA के सीक्वेंस में स्पेशली काफी सिंपल तरीके से क्लोनिंग कराया जाता है और इनके क्लोनिंग कराने पर जो हमारे पास स्पेशली यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चॉइस सीक्वेंस होती हैं, उसके जैसा ये बिहेव करते हैं। अगला माना जाता है कि जो DNA होता है, DNA को इंसर्ट, क्या DNA इंसर्ट से RNA की प्रतिलिपि बनाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है ठीक। इनको फेज प्रमोटर भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है इनको, इनको फेज प्रमोटर भी बोला जाता है कि फेज को, यानी जो हमारे लैम्डा फेज है इनको प्रमोट किया जा रहा है, लेके जा रहे भैया तो प्रमोट कर रहा है, प्रमोटर होते हैं। एंड अगले टेंडेंसी में ऐसा देखा जाता है कि इनमें जो रिस्टिकेशन साइट्स होते हैं ठीक, मतलब रिस्टिकेशन साइट कहाँ पाए जाएंगे, जहां पे रिस्टिकेशन से न्यू न्यूक्लियोज होगा, एंडियो न्यूक्लियोज या रिस्टिकेशन से एंडियो न्यूक्लियोज की काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है। मतलब कह सकते हो कि जब ये इस टाइप के वैक्टर होंगे, इस टाइप के वैक्टर में रिस्टिकेशन एंडियो न्यूक्लियोज जो होते हैं या न्यूक्लियोजेज होते हैं वो स्पेशली कम से कम दो रिस्टिकेशन साइट्स का यूनिक कंडीशन तैयार करते हैं। ये यूनिक कंडीशन इतना यूनिक होता है कि ठीक जहां पे वो पाए जाएंगे उसी जगह से पूरे कॉस्मिड को वो क्या कर देते हैं, इन दोनों में से जो भी कॉस्मिड होगा उसको वो कटर करेंगे। कटर करने के बाद बाहर से आया हुआ फॉर्गेन या फिर हमारे पास जो इंसर्ट DNA है उनको लगा के हम एक डेवलप स्पेशली कॉस्मिक तैयार कर लेंगे क्लोनिंग कराने के लिए। अब ऐसा माना जाता है कि ये पूरा पूरा जो एक्टिविटी होती है, इन एक्टिविटी में काफ़ी इनमें और इनमें दोनों में एक अच्छा सुव्यवस्थित मार्कर होगा। ये मार्कर स्पेशली हम बात करें तो स्पेशली यूज किया जाता है मैमेलियंस में, जो मैमेलियन होते हैं, मैमेलियन एक्सप्रेशंस, ध्यान देना, मैमेलियन एक्सप्रेशन नोड्यूल्स, सॉरी मॉड्यूल्स जो होते हैं, मैमेलियन एक्सप्रेशंस मॉड्यूल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हैं इन्हीं दोनों वेक्टर के स्पेशल कैटेगरी पे। तो हमने बता दिया एक्सप्रेशंस वेक्टर क्या होते हैं, आप पीछे लिंक जाकर आपके प्लेलिस्ट में होगा, आप खोज लीजिएगा, BSc थर्ड ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आज का ये क्लास खत्म होता है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा। जैसा आपके पॉइंट्स में 5 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर में भी आ जाता है, तो आप इसको सही तरीके से देख लीजिएगा स्टूडेंट। मैं अपने क्लास को लंबा ले जाता हूं लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको डील करने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं हमारी भाषाओं को, और आप जब एक बार समझ जाएंगे ना तो फिगर पेपर में उठा के बड़ा आसानी से लिख देंगे और हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।